और दोवें जिहड़ियां टीमां खेड मैदान दे विच पहुंच चुकियां आपां इन्हां टीमां दा मुकाबला शुरू करवावांगे। कबड्डी दे खिडारियां दा पिंड है, बड़े आदर ते सत्कार दे नाल कबड्डी जगत विच इस नगर दा नाम लिया जांदा और दोवें टीमां जिहड़ियां पासे मल लैण, एक बन्ने गवांढी पिंड डगरू दूसरे बन्ने लंडियां दी टीम दे दरमियान कबड्डी दा बहुत ही तगड़ा मैच खेडिया जाणा। दोवें जिहड़ियां टीमां कर तैयारी पहुंच चुकियां कि खेडां विचों खेड कबड्डी शान पंजाबियां दी, इहदे विच ही वसदी लोको जान पंजाबियां दी कि विच मैदाने भिड़ना हुंदा कम दलेरां दा, खेड कबड्डी खेडना शौक पंजाबी शेरां दा। कोई कहिंदे वी इस कबड्डी नूं मां खेड कहिंदा, कोई पिता पुरखी खेड कबड्डी कहिंदा। पंजाब दी धरती सूरबीर जोधिया महाबली जोधिया दी धरती, पंजाब दी जरखेज मिट्टी ने अनेकां खिडारियां नूं जन्म दिता, अवतारा ऋषियां मुनियां नूं जन्म दिता। रंगले पंजाब दी धरती ते इह मुकाबला आपां तकांगे। उधरले बन्ने खारा पिंड है, कबड्डी जगत विच वड्डा नाम है बाबे गांधी दा, ते उधरले बन्ने कार मचाकी वाला अंग्रेज सिंह बिल्ला भुपिंदर भिंदे होरी अपने समय दे बहुत तगड़े खिडारी रहे हैं। साडे वीर तेज होरी असीं धन्नवाद करदे हैं। मेरे वीर गुरप्रीत जी दा जो इस क्लब दे सकत्तर साहब ने जिन्हां दे जरिए इस धरती ते आउण दा मौका मिलिया। ला मुकाबला शुरू होण जा रहा, गोल जिहा दायरा विच हंदो दो दिसदे ते चढ़ जांदा चा जदों खिडारी विच दिसदे। जामा बलिहारे जी ने काढ़े दी कढ़ी कि खेडनी कबड्डी यारो, खेडनी कबड्डी। लंडियां दी टीम जिहड़ी खेतां वाली साइड है ते स्कूल वाली साइड जिहड़ी टीम है ओह डगरू दी है। पहली कबड्डी इकबाल दी है, नौजवान गभरू। सामने मैं देखदा वी उड़ान जी भरी है, अरदास वाहिगुरु दे चरणां दे विच कीती है कि अरदास करके जदों वी कार्ज शुरू कर दे फिर जीत ही जीत पंजाबियां दी। आए गए दी सेवा विच ना कसर छड्डे, इह वी है पुरानी रीत पंजाबियां दी। जबर जुल्म नूं मुड़ तों कढ देवे जदों वी उठे शमशीर पंजाबियां दी। विड़ंग देश शहीदियां पाउण दे लई पहली कतार है वीर पंजाबियां दी। मैं बेनती करदा वी माला खुरद ते देश राज कबड्डी क्लब भलूर दी जिहड़ी टीम है कर तैयारी, जल्दी ना ग्राउंड दे विच पुज जावे। डोली भाई ते फरीदकोट बी इह वी जिहड़ियां टीमां आपणियां गड्डियां दे कोले तैयारियां खिच लैण। बाबा करम सिंह जी कबड्डी क्लब इंदगढ़ ते जनेतपुरा, दाले वाला ते नेहदा वाला, योगे वाला डगरू, बाबा विधि चंद कबड्डी क्लब सुर सिंह ते वकीलां वाला, काले के ते रसूलपुर, ये जिहड़ियां टीमां माला खुरद ते खारा जी ए बी टीमां नोट कर लैण। लाओ सामने देखदे वी कहिंदे शैनी निक्की हुंदी गाडर बढ़ दिंदी, ताड़ियां मारदी सुनाजवान लई। रण सिंह पिंड है, जज्जी नाम है इस खिडारी दा। उधरले बन्ने चंगे आणियां कहिंदे वी अमन बराड़ पुज्जा होया मेरा वीर अपने मित्रां दे नाल। लाओ शाट में जे शरीर दे विच पाई होई कबड्डी, पहला बजनी कबड्डी खेडदे खिडारी। लाओ सामने अमन बराड़ा 80 किलो भार ते कबड्डी, कहिंदे वी बजनी दा एंड हो जांदा फिर जिहड़ी कबड्डी ओपन खेडी जांदी है। उधरले बन्ने मैं बेनती करना भी जिहड़ी टीम है माला खुरद जल्दी ना खेड मैदान दे वल पुज जावे। इक बन्ने विकी घनौर वाला बड़ा तगड़ा खिडारी होया, आ भी नौजवान लंडे पिंड है ते बहुत ही तगड़ी कोशिश कीती है ते पॉइंट जिहड़ा लंडियां दी टीम दे हिस्से जुड़दा होया। माला खुरद ते देश राज कबड्डी क्लब भलूर दी जिहड़ी टीम है ओह बिना देरी दे खेड मैदान दे वल पुज जावे जल्दी दे नाल, क्योंकि समा घट है, टीमां बहुत ज्यादियां ते बहुत ही तगड़े जिहड़े खिडारी अज इस धरती ते पुज्जे होए है कि गुट फड़ इक बारी जे कैंची जड़ हो जावे। फड़िया होया गुट है नौजवान दा। पर उधरले बन्ने लंडे पिंड कबड्डी दा बहुत तगड़ा नाम है, 2009 दा साल, वैनकोवर दे खेड मैदान दा उत्तम खिडारी, कहिंदे वी लंडियां वाला तार। उधरले बन्ने बोतियां वाले दा कहिंदे वी मेरा वीर काला विशे तर ते पुज्जिया, चल वी नौजवान ना पा कबड्डी और लिशकदियां, कहिंदे वी चिट्टियां कपाह दियां फोटियां वर्गी धुप है, लोकी बोड़ा आखदे इस खिडारी नूं, इक मां बोड़ दी शान ते रब दा नां, प्यारे इको जहे, कला जवाई सके दो भाई वड्डी भरजाई, सहारे इको जहे। उधरले बन्ने माइक तो जसविंदर आसा बुटर ने गल कीती ते नाल मेरा वीर कहिंदा वी गुरचरण सनेर और फुखराणे दी ग्राउंड ते गब्बर दी सांड, सोहणे ते सुहागे वाली गल होई पई है। ते नाल मैं देखदा वी इकबाल दी पाई होई कबड्डी खेड मैदान दे विच देखदे आ वी नौजवान कहिंदा वी पूरी जान नाल खेडी जांदी कबड्डी है। एक जिहड़ी टीम मैं देखदे आ वी खेड मैदान दे विच माला खुरद, ते बेनती करदा वी देश राज कबड्डी क्लब भलूर दी जिहड़ी टीम है जल्दी ना पुज जावे। डगरू वाले नौजवान मैनूं लगदे वी कर तैयारियां पुज्जे है, आपां देखांगे वी नौजवानां दा धन्नवाद करांगे। ते प्रीत जी जिहड़ी लिस्ट है वीर जी मैं इत्थों लै गए है,
वो लिस्ट वास ग्राउंड विच दे दिओ चल भी ना जन एक बन्ने कहिंदे भी दुनिया का महान खिडारी नथोगे पिंड का चैना भावे कनेडा वस गया पर कहिंदे भी बड़ा प्यार सी इस टीम दे नाल बड़ा नाम है दीपे का जिहड़ा जल्दी ना जो टीम अगले मैच दियां ग्राउंड विच पुज जाण देश राज कबड्डी क्लब भलूर पुज गई है माले खुरद की जी टीम है ग्राउंड विच और इधरले बन्ने निर्मल बोटर है मेरा वीर हैंडीकैप्ट है परमात्मा की कुरुपी का शिकार एक मिनट लिस्ट आ लेंदे वीर जी बहुत मेहरबानी है एक मिनट बिल्कुल जिहड़ा मैच हुण होना कबड्डी का खेड मैदान माला खुर ते देश राज कबड्डी क्लब भलूर का बाबा करम सिंह कबड्डी क्लब इंदगढ़ ते जनेतपुरा और जोगेवाला ते डगरू का मैच दो तीन मैच तो बाद है आपां टीमां नूं बुला लैने आ जी मैं चलांगा लिस्ट दे अनुसार जिवें साडी कमेटी ने फैसला किया माला खुरद किहड़ी टीम इस मैच की जेतू है वीर जी दस दिता जाए लंडिया की जिहड़ी टीम इस मैच की जेतू टीम है बाबा भगवान दास कबड्डी क्लब लंडे वीर जी नोट कर लो माला खुरद जल्दी ना टीम जिहड़ी खेड मैदान दे विच पुज जावे बहुत मेहरबानी है और नाल मैं बेनती करदा भी ड्रोली भाई ते फरीदकोट जनेतपुरा ते इंदगढ़ की टीम संत बाबा करम सिंह जी कबड्डी क्लब दौले वाला ते नेदा वाला डगरू ते जोगे वाला डगरू की जिहड़ी टीम पुज चुकी है तो मैं बेनती करदा भी जोगे वाले की टीम जिहड़ी ग्राउंड दे विच आ जावे उन्हां चिर डगरू की जिहड़े खिडारी है बाउंड्री लाइन तो बाहर बैठ जाण बहुत मेहरबानी है जल्दी ना माले की टीम के प्लेयर ग्राउंड दे विच पुज जाण माला खुरद के खिडारी जिथे भी मेरी आवाज नूं सुणदे है ये टीमां दे जिहड़े खिडारी जल्दी ना पुज जाण और भाई देश राज कबड्डी क्लब भलूर की जिहड़ी टीम है वो साढ़े दरम्यान पहुंच चुकी है और इंतजार है तो माले खुरद का एक मिनट तो बाद असीं वाकओवर दे देना है ड्रोली भाई ते फरीदकोट बी जी ये भी टीम खेड मैदान के वल पुजन संत बाबा करम सिंह जी कबड्डी क्लब इंदगढ़ ते जनेतपुरा जी ये भी जिहड़ियां टीमां अपने मैच अनुसार खेड मैदान के विच पुजन दौले वाला ते नेदा वाला योगे वाला ते डगरू बाबा विधि चंद कबड्डी क्लब सुर सिंह ते वकीलां वाला कालेके ते रसूलपुर माला खुरद बी ते खारा मेरी बेनती है माले खुरद ए दी जिहड़ी टीम दस देवे भी आना जां नहीं आना क्योंकि दो टीम जी प्रीत जी दीए वाकओवर कहिंदे भी टीम ने नहीं आना लाओ जी वाकओवर जी इस टीम नूं नोट करो देश राज कबड्डी क्लब भलूर की टीम वाकओवर ड्रोली भाई ते फरीदकोट जी ड्रोली भाई ते फरीदकोट बी दी जिहड़ी टीम है जल्दी ना ग्राउंड दे विच पुज जावे संत बाबा करम सिंह जी कबड्डी क्लब इंदगढ़ ते जनेतपुरा ये भी जिहड़ियां टीमां खेड मैदान दे विच पुजन दौले वाला ते नेदा वाला जी जोगे वाला ते डगरू ड्रोली भाई ते मेरी बेनती फरीदकोट की टीम नूं आ जी जल्दी ना टीमां ग्राउंड दे विच पुज जाण इंदगढ़ ते जनेतपुरा जी इंदगढ़ ते जनेतपुरा लाओ जी ड्रोली भाई ते मेरी बेनती जिहड़ी फरीदकोट बी दी टीम नूं है जल्दी ना टीम ग्राउंड दे विच पुज जावे जोगे वाला ते नाल मैं बेनती करदा इंदगढ़ ते जनेतपुरा जी दो मिनट ला लो कार सिंह जी ड्रोली भाई ते जिहड़ी टीम है फरीदकोट बी दी दोवें टीमां नूं मेरी बेनती है भी समय की जिहड़ी उलंघना किसी खिडारी ने नहीं करनी कबड्डी समय की मुहताज है बेनती है भी ड्रोली भाई ते फरीदकोट बी दोवें जिहड़ियां टीमां जल्दी ना पुज जाण इस तों बाद तेजी जिहड़ा मैच है जनेतपुरा ते इंदगढ़ वह भी जिहड़ियां टीमां खेड मैदान दे विच पुजणगियां असीं धन्नवाद करदे आ आउंदे साल दे लई सरदार अजैब सिंह जी सरपंच कोठी वाले 51,000 रुपया इस कबड्डी टूरनामेंट लई ते नाल ही साडे गुरतेज सिंह जी जिंदगी दी बहुत सत्कारयोग
शख्सियत है साढ़े मेंबर कबड्डी खिलाड़ी है उन्होंने वालों भी 51,000 रुपया दे के इस कबड्डी के महाकुंभ को नवाजा जाएगा। फरीदकोट बी की जी टीम पुजी है डरोली भाई जी, डरोली भाई की टीम गवांडी जिहा पिंड है, टीम ग्राउंड जल्दी ना पुजन, जिहड़ी टीम समय तो लेट होंदी है वह मजबूरी कारण जिहड़ी टीम असीं कटांगे। फरीदकोट का एक प्लेयर आया हजे तक, बाकी जिहड़े प्लेयर है वह भी ग्राउंड पुजन। डरोली भाई की टीम आवे जल्दी, डरोली भाई की टीम जिहड़ी जल्दी ना पुजे। डगरू की टीम के जिहड़े प्लेयर है बड़े सत्कारयोग है, कृपा करके वीरो बाउंड्री लाइन तो बाहर बह जाओ। उधरले बन्ने निर्मल बोटर मेरा वीर दोहां लत्तां तो आ रही है, वेट चुके है मेरे वीर ने ते दर्शकां दी कचहरी विच चक्कर ला रहा कि मंगण नालों मेहनत चंगी, मेहनत विच तंदरुस्ती, ते मंगण नालों मरिया चंगा ना आलस ना सुस्ती। इस तन ने मुक जाना भावे रोज मालशा करिए, रोटी हक दी खाइए जी, भावे बूट पालशा करिए रोटी हक दी खाइए जी। उधरले बन्ने कहिंदे वी दोहां लत्तां तो आ रही है मेरा वीर, दर्शकों की कचहरी में चक्कर ला रहा। डरोली भाई की टीम जी पुज चुकी है, तो आप एक कबड्डी का मैच कारजी शुरू करवाइए। फरीदकोट के रेंदे प्लेयर जल्दी ना ग्राउंड पुज जाण। उधरले बन्ने लल्लियावाला बलदेव कहिंदे वी कबड्डी का बाबा करम सिंह क्लब इंदगढ़ वर्सेज जनेदपुरा, ये दोवें टीमां जल्दी पहुंचा जी। बाबा करम सिंह क्लब इंदगढ़ वर्से जनेदपुरा साढ़े बाउदी प्रीत जी को मिनट माफी चाहवांगे। जयदार सरदार निर्मल सिंह जी उन्होंने परिवार वालों आंदे साल इस कबड्डी टूरनामेंट लिए 31,000 रुपया होगा, ये आंदे साल के कबड्डी कप की जी नींह रखी जा रही। एक बारी कहते भी जोरदार ताड़िया मार दो सरदार हरजैब सिंह जी, ताड़िया गुरतेज सिंह जी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग कबड्डी खिलाड़ी 51,000 यादार निर्मल सिंह जी उन्होंने परिवार वालों 31,000 रुपया दिता जाएगा। आंदे साल कबड्डी टूरनामेंट लई ये बहुत वड्डी देन है साढ़े पिंड वाले वीरां दी। लो जी दोवें जिहड़ियां टीमां खेड मैदान दे विच पुज चुकियां, आपां धन्नवाद करांगे इन्हां टीमां दे खिडारी साहिबानां दा, ते नाल ही जनेदपुरा ते संत बाबा करम सिंह जी कबड्डी क्लब इंदगढ़ की जिहड़ी टीम है वह भी ग्राउंड के वल पुजेगी। इस पिंड की कहिंदे भी पहले समय च भी कबड्डी की टीम बहुत तगड़ी, तो अज भी इस नगर की जिहड़ी 70 किलो भारतीय कबड्डी ओपन की टीम बहुत तगड़ी है, तो दोवें जिहड़ियां टीमां जल्दी ना पासे मल लैन। फरीदकोट बी ते डरोली भाई इंदगढ़ ते जनेदपुरा जी इस तो अगले मैच लई खिडारी टी शर्टा बाहर ला के नहीं आउंदे तां उहनां नूं खेडण ना दिओ बस। एक असीं वार वार बेनती करी जाने भी इधरले पासों खिडारी एंटर नहीं करनगे तो वार वार रूल क्यों तोड़े जाते हैं। सारिया टीम नोट कर लैन भी जिहड़ी भी टीम समय सिर ना पुजी तो वह जिहड़ी टीम असीं कट देनी है, टीम नोट कर लैन। सारिया टीम आने वाले मैचों दीआं जिहड़ी टीम समय सिर नहीं पुजदी चलदे मैच विच दूसरी टीम जिहड़ी ग्राउंड विच पुज जानी चाहीदी है, ते टीमां असीं कट देणियां, टीमां नोट कर लैन। जनेदपुरा ते इंदगढ़ कबड्डी दे बहुत तकड़े खिडारी इन्हां नगरां ने पैदा कीते है, मैं बेनती करांगा टीमां जल्दी ना ग्राउंड दे विच पुजण। हां जी इत्थे एक बंदा लाओ जिहड़ा खिडारियां नूं रोके। दोवें टीमां पासे मान लो जी जल्दी नाल, जल्दी ना दोवें टीमां पासे मान लैण। पहला तुसी यार घंटा घंटा आउंदे नहीं, मुड़ के लैण ते खड़ के अगले शिकवे जे कर लग पैने हो, आ गल चंगी नहीं। दौले वाला ते निधा वाला दोवें टीमां ग्राउंड च पहुंचन जी। इंदगढ़ दी टीम जिहड़ी ग्राउंड विच पुज चुकी है जनेदपुरा जी, 9 तरीक नूं कबड्डी नोट करना, कोई भी खिडारी टी शर्ट पा के ग्राउंड दे विच ना आवे, असी लेंदे पासे स्कूल वाले पासे रस्ता रखा होया खिडारियों की एंट्री वास्ते, खिडारी उधर दी ही एंटर करन। ला जी उधर दे बन्ने 9 तरीक जिहड़ी नवें किले दे कबड्डी दे टूरनामेंट दी है, 75 किलो दे विच इक खिडारी बाहर दा खेडेगा, 15 ते 13,000 रुपया प्राइज होगा। 8 तरीक जिहड़ी कबड्डी एल सी डी या बेस्ट बेस्ट याफी नूं दित्तियां जाणगियां।
60 किलो दे एक खिलाड़ी बाहर का खेडेगा, मान लो जी दोवें टीमां पासे। 8 तरीक कल नूं बघेले वाले दे पिंड दी है कबड्डी दे ओपन दे मैच कल करवाए जाणगे ते दोवें जिहड़ियां टीमां जल्दी ना पासे मलण। ड्रोली भाई ते फरीदकोट बी ला जी दोवें टीमां पासे मल लैण। एक मैं ग्राउंड दे विच होर गल देखी भी एक खिडारी आ के रेड मंगदा, इदां रेड नहीं मिलनी। जे पूरी टीम आउंदी आ ग्राउंड दे विच फिर कबड्डी मिलनी है। ये नोट कर लैण मेरी बेनती सारियां टीमां नूं। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। लाल जी दोवें टीमां पासे मल लो। ड्रोली भाई पिंड पहुंच गया स्कूल वाली साइड ते दूसरे बन्ने टीम है फरीदकोट दी। आर आ भी नौजवान, आ मेरी बेनती यार चकनाई वाली चीज लागे ग्राउंड दे विच ना आया करो। वैसे गर्मी बहुत है, भज भुज के वाधू पसीना आउंदा। आ जिहड़ी तुसीं चकनाई वाली चीज लागे ग्राउंड दे विच पहुंचदे हो उहदी बड़ी प्रॉब्लम आउंदी है ग्राउंड विच। एक तां तुसीं पहलां लेट हो जाने हो, मुड़ के वैसलीन तेल वगैरह चेक करदे करदे 5-7 मिंट होर ला दिंदे हो, क्योंकि लखां रुपया खर्च करके कबड्डी दे टूरनामेंट करवाए जांदे है। हाँ जिहड़ा खिडारी ला के आउंदा मेरी बेनती भी उहदे कली जां मिट्टी मली जाणी है। टीमां नोट कर लो जी, फरीदकोट पहुंच गई खेतां वाली साइड ते दूसरे बन्ने टीम है ड्रोली भाई पिंड दी। बहुत तगड़ा कबड्डी का टूरनामेंट, कबड्डी का कप कहिंदे वी मालवे का प्रसिद्ध मन्निया गया नगर ड्रोली भाई है। संतां महापुरशां की धरती है, पहली कबड्डी फरीदकोट ही दी। एक बन्ने कहिंदे वी बाबे शेख फरीद की धरती फरीदकोट है, उधरले बन्ने खेडदा कबड्डी अजे पहली रेड पाई होवे, लगदा वी जफा दे खताड़ी दर्शकां वजाई होवे। एक जोर दे नाल पहला डेढ़ अंक लगे, एक बन्ने पहले डेढ़ अंक का जिहड़ा जफा लग्या वाह नौजवान। उधरले बन्ने जीपां आ गईआं, कचहरियों खाली के मित्रां नूं कैद बोल गई ते पहला जफा लगा, चल भी ना जाना। उधरले बन्ने जनेतपुरे दी टीम दा इंतजार है, जल्दी ना जिहड़ी टीम है जनेतपुरे दी खेड मैदान दे वल पुज जावे। लोकी पिंडरां दा आखदे इस खिडारी नूं, पर जद्दी पिंड इह नौजवान दा बड्डू वाला ककना नाम है इस खिडारी दा, चल भी ना जाना। भावें धरती माझे दी, भावें धरती मालवे दी, भावें कहिंदे वी दुआबे विच वी छाया नौजवान कबड्डी दा, इह खिडारी ककना पिंड पिंड वाला इस समय कबड्डी पाउंदा होया। एक बन्ने दीप सिंह वाला पिंड है, उधरले बन्ने साधक दे लागे कौणी पिंड है, लहंदी कन्नी दे उपर कहिंदे वी काला कौणी पिंड दा। हांजी डोले वाले दा कोई खिडारी साडे कोले पहुंचे स्टेज ते जी, डोले वाले दा। डोले वाला ते नेदा वाले दी टीम ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਮਾਨਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਿ ਸਿਰ ਲੱਥ ਦਾ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿਸੂਗਾ ਮੇਰਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਹੋਏ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗਗਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੀਨੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਲੇਵਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੱਟ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡੂਗਾ, ਕਿ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡੂਗਾ। ਅਮਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੌਣੀ ਸਾਧਕ ਲਾਗੇ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ, ਕਿ ਕਾਂਗਾ ਕਰਨ ਢੋਲਿਆ ਕੇ ਸਗਲਾ ਖਾਇਓ, ਮਾਸ ਦੋ ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਮੱਤ ਛੂਇਓ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਖਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਰਾਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖੁਖਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਸਾਡੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਮਨ
ਕਾਉਣੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਣੀ ਦਾ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਂਜਾ ਬੱਬੂਆ ਸੌਂਜਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਹਲੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਜੀ ਆ ਅਮਨ ਕੌਣੀ ਵਾਲਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਿੰਮਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਹਿਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੜ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਆ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈਂਡ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਕਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਅਮਨੇ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਰੈਂਪਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਯਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਦੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ I-20 ਤੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਮਿਲੂ ਬੁਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਬੋਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਪ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਝੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਛੱਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਆ ਜਾ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੱਡੂ ਵਾਲੀਆ ਧਗਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਉਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਲਹਿੰਦੀ ਕੰਨੀ ਮਾਰਦਾ ਥਾਪੀਆਂ ਖੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਛਾਂਟਮਾ ਜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨ ਡੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੇਧਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਰੈਂਪਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਂਪਾ ਹਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਨੇਧਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੇਧਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੀ? ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਧਾ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਗਰੂ ਵਰਸੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਵੀ ਤੇ ਖਾਰਾ ਜੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਦੀ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇੰਦਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਉਹ ਕੱਟਤੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਭਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਤੂ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਨੇਧਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇਧਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹਲੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਖੜੀ।
जे कोई खिडारी खेडना है कि पिंड दीआं दो दो टीमां एंटर हो जांदीआं खेडना पैणा देवदयालपुरिया खेड के जित्तां प्राप्त हुंदीआं ना कि दो दो तीन तीन टीमां एंटर करा के इदां खेड खेडी नहीं जांदी मेरी बेनती है टीमां नूं तुसीं तीन तीन पिंड एंटर कराई फिरदे हो एक आउंदा नहीं बेनती है भी जिहड़ी टीम है दौले वाले दी जल्दी ना साडे सतकार जो खिडारी पुज जाण हां जी वाकओवर वाकओवर कीहड़ी टीम नूं दित्ता जी इह च वाकओवर दित्ता जी संत बाबा करम सिंह दी कबड्डी क्लब अहमदगढ़ नूं ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤੇ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਦੌਲੇ ਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੀਕ ਹੋਰੀ ਸਿਮਰੇ ਹੋਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖੇ ਸੋਨੀ ਹੋਰ ਸੋਨੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਜੋਗੇਵਾਲ ਤੇ ਡਗਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੌਲੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ आओ जी जल्दी ना दोवे टीमां पहुंच गई जी दोवे टीमां पहुंच गई बेस वधा दिओ गब्बर साउंड थोड़ा कहिंदा गब्बर साउंड मेरी बेनती है भी थोड़ा साउंड जोगेवाला ते डगरू ये दोवे टीमां भी तैयार रहन जी जोगेवाला ते डगरू चलते मैच दे विच पहुंच जाण जी टीमां क्योंकि टाइम बड़ा ही अपने कोले सीमित जा बलो जी दोवे टीमां पासे पहुंच चुकियां कबड्डी दीआं दोहें जिहड़ियां टीमां दे दरमियान कबड्डी दा बहुत ही तगड़ा मैच होना उधरले बन्ने गजन वाले दी धरती दा गोलू वीर भी विशेष तौर ते पुज्जिया आपां उस वीर दा भी धन्नवाद करदे हां जिस पिंड दा गीचा कहिंदे भी अज कनेडा विच बैठा रैंपे हराज दे नाल आपां उस वीर दा धन्नवाद करांगे और दोवां टीमां दे दरमियान मैच शुरू करा दित्ता जावे जी वकीलां वाला भी पुज्जी होई है ते मैच जिहड़ा होना खेड मैदान दे विच बाबा बीधी चंद कबड्डी क्लब सुर सिंह गब्बर साउंड थोड़ा बेस वधा दिओ कृपा करके इस साउंड दा बहुत ही प्यारी साउंड है दोवें टीमां जल्दी ना पासे मान लो जी नेता वालियो प्रदीप सिट ला लो गोलू जल्दी नाल क्योंकि तुहाडा असीं इंतजार बड़े चिर दा कीता ते दोवें टीमां पुज्जियां और मुकाबला बहुत ही तगड़ा खेडिया जाना दो टीमां दे दरमियान एक जिहड़ी टीम है ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਸੇ ਗੱਬਰ ਸਾਉਂਡ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੱਬਰ ਸਾਉਂਡ ਉਮਰੀਆਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਉਂਡ ਹੈ ਮਾਲਵੀ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਪਾਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮਾਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਚ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਕਾ ਫਤਿਹਗੜੀਆ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਗਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜਾਣੇ ਦਾ ਤਲਵੰਤ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਗੜੇ ਵਾਲਾ ਜੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਵੀਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਫਤਿਹਗੜੀਆ ਕਾਕਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਸਾਡੇ 9 ਤੇ 10 ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਦੌਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਟਨ ਵੈਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਊ ਜੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਡ ਵੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਬਿਆਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਿਆਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਹਾ ਦੂਰ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਜਣਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੀਕ ਦਾਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲੇ ਦਾ ਧਾਵੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਾਫੀ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਦੌਲੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੀਕਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੀਕ ਹੈ ਦੌਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਕਾਲੂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਹ ਕਾਲੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾਜਵੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੂ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਗੱਜਣਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੀਚੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗੀਚੇ ਗੱਜਣਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਰਾਤੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਬੱਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਾਡੀ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਲੰਘੇ ਆਣੀਆਂ ਅਮਨ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਂਪਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਹਰਾਜ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਹੋਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਵੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਸੁਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਾਦਾ ਹੋਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਪੂਰੇ ਟੱਪਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪਰ ਜਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਧਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਕਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਪੈਣ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚੀਣ ਦੀ ਕੰਧ ਜਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈ ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਸੂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਬੈਠਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਧਾਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੁਖ ਘਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਰੇਵਾਲ ਦੇ ਟੋਨੇ ਲਈ ਤੇ ਕਮਿਕਰ ਆਗੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਨਿਧਾਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਆੰਤ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਰਮਾ ਜੋਸਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿਮਰਾ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵੇ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਅਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਵਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਬਰ ਸਾਂਡ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਦਾਲੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਲੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਯਸ ਦਾ ਯੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾਲੇਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜੀਤ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਲਮਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਜਮੇਰ ਸੱਚੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੱਕੜੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਲੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ ਭੇਦ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੋਲੀਏ ਨਾ ਪਰਦੇ ਪਾਈਏ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੱਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਲੀਏ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਉਹ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾਦਾ ਹੂਰ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਮਰਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਕਿਸ ਜਾਫੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਟਲੀ ਥਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਵਾਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗੁੱਟ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਫਾ ਅਮਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਸਮੇਂ ਫਸਦੀ ਘਰਾੜੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਾਂ ਬੇਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਘਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇਧਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ ਗੱਜਣਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਯੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਯੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਟੀਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਧਾ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਪੱਟੀ ਪੱਟਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਆ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨੀ ਜਾਨ ਹੀ ਮੀਗ ਦਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਓਨੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਧਾ ਵਾਲੀਏ ਬਿਆੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਲੇ ਵਾਲੀਏ ਮੀਕ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕ ਲਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਿੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੀ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਐਰ ਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀ ਤੋਰਦਾ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੀ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਲੂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਪਾਂਡਲੇ ਆਪਣੇ
टीम हांडियां के मस्तां दे तार ते है लोग जान दे जिस दी कबड्डी दा लोकी रज रज आनंद माणदे छेती किते किसे कोलो जांदा नहीं फड़िया रसूलपुरीए कालू दा नाम बच्चे बच्चे दी जवान उत्ते है चढ़िया वह भी अज मेरा वीर विशेष तौर ते पुजेगा चल भी ना योना टोकरी पिंड है इस खिडारी दा हरदीप गिल दा पिंड है छप्पड़ा कसियां सूईयां विच जो कदे नहाया नहीं के वाधू प्याजा टायर डंडे नाल भजाया नहीं के मां बाप दीआं गालां दा जो आदि नहीं हुंदा वह बेशक रवे पंजाब च कदे पंजाबी नहीं हुंदा पंजाब दी धरती है एक बने निदा वालिया नौजवान उधरले बने पाट लै अपनी टीम दे हिस्से आ गबरू कहिंदे वी मक्खण चिड़क दी टीम लई खेडदा सन 1999 दा साल बोतियां वाले कालिया जदों पहली वारी जिहड़ी मोगे दी अकैडमी होंद विच आई 2099 दा साल उधरले बन्ने देखदे हैं वी कबड्डी दे महान शब्द लिखदा अमन मेरा वीर और सामने दे दे खाली घोड़ी हिणकदी उत्ते ना दींदा वीर ते भैण उड़ीका करे मिर्जिया कौन बनावे तीर पाण जिहड़ा निदां वालीए गबरू दे हिस्से जुड़िया चल भी दौले वालिया पा कबड्डी नौजवान जिहड़ियां टीमां अगलियां पुज्जियां बहि जाओ मेरी बेनती है भी थले बैठ जाण खिडारी वीर जिवें जिवें सत्कार दे योग शखशीतां पुज रहीयां उधरले बन्ने नौजवान फिर उही खिडारी है हिक विच वजदे होए धक्के चल भी नौजवाना कि धूड़ अंबरां नूं चढ़ू पैणे धरती नूं धक्के जफा उही जफी लाऊ ते हथ होणे पक्के दद्दा होर पिंड है इस खिडारी दा लाओ सामणे कहिंदे वी जिवें फतेहगढ़िया काका पुजिया उवें कहिंदे वी पड़ाणे दे कलवंत दा नाम वड्डा जिन्हें इस नौजवान नूं कबड्डी दीआं बरीकियां सिखाईआं गजनवाल दी धरती बुलराज नाम है इक बन्ने देखदे वी खेड मैदान दे विच मैं आप ना लाईआं वे नारायण सिंह लागीआं मल्लो जोरी मैं आप ना लाईआं वे नारायण सिंह लागीआं मल्लो जोरी उधरले बन्ने कहिंदे वी जोर दे नाल नौजवान जूझिआ ते पाण जिहड़ा देव दयालपुरीआ आलम वाले दी धरती अजमेर उधरले बन्ने दीना साहिब दी धरती दा सुखदेव पुजिआ होइआ चल भी ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੇਡ ਲੋ ਕਬੱਡੀ ਪੰਮਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਯੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਤੇਜ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੋਲੂ ਗ੍ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਪ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਕੋਬਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਝੜਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਚੈਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਦਾ ਮੱਖਣ ਚੜਕਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸੇ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਅਦਖਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਯੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਜੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 9.5 ਤੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲ 8 ਜੀ ਡੇਢ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਬਾਈ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ ਜੀ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੋਨਾ ਕਲਸੀ ਜੀ ਲੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸੋਨਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਓ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 60 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਤੇ 38 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਗਨ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਵੀ ਤੇ ਖਾਰਾ ਜੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ
आ जोगे वाला नहीं जिहड़ा गवांडी पिंड है, यह जोगे वाला वह है जो सुलता है महू तो सुल्तानपुर लोधी वाल जाने हैं रोड के उपर पिंड आता एक पिंड जिहड़ा इत्थे संत बाबा बलदेव सिंह जी योगे वाला उन्होंने रहन वाई हेठ उन्होंने आशीर्वाद लाया कबड्डी का यह मैच कल शुरू करवाया गया। लाओ सामने योगे वाले की टीम जी खेतां वाली साइड है ते पिंड वाली साइड जो टीम है वह बिल्कुल डगरू पिंड की है। पहली कबड्डी किस नौजवान की होगी उधरले बने सुखा वकीलों का नाल एक बार जोरदार ताड़ी मार दो टीम लई मेरे वीरियो आर वकीलों वाला पुज्या होया साडे दरम्यान अज काफी समय बाद कहिंदे भी 2003 दे विच कहिंदे भी पूरी जिहड़ी तगड़ी टीम 2003 4 5 6 ते 7 ते 8 ओपन दे जो पहले राउंड के मैच खत्म होणगे इहदे नाल ही असीं 70 किलो का फाइनल का मैच करवाउणा दोवें टीमां तैयार रहण जी। लाओ मेरे वीरियो इधरले बन्ने पहली जिहड़ी कबड्डी आ गभरू कौन आ मैं दसांगा कि जिथे जोगे वाले की टीम ने माझे की धरती से कबड्डी खेडी है सुखमन चोला साहब ते चोला साहब तो 3 किलोमीटर की दूरी से पिंड है राणी बला इस खिलाड़ी का लोग गुरसेव सिंह तोता आखते हैं माझे की धरती का गभरू। लाओ सामने पहला जफा लाया इस खिलाड़ी ने चल भी नौजवाना पा कबड्डी गभरू आ खेड मैदान में दो जिहड़े खिलाड़ी अज माझे की धरती के इस टीम लई खेडते हैं उधरले बन्ने घड़के वाला सफी पुज्या होया ते पंजाब दे दो जिहड़े वर्ल्ड कबड्डी कप है वह चोला साहब के खेड स्टेडियम करवाए गए और मैं देखता भी दुनिया लुट्टण वाली कबड्डी पाई है उधरले बन्ने हरदयाल ने वह भी वीर विशे तर ते पुज गया। साडे बहुत ही सत्कारयोग कबड्डी का महान खिडारी बलदेव सिंह जी नाधा लल्लिया वाला नाल सोना कलसी तलवंडी भाई जी 2100 रुपये के योगदान जिहड़े इस कबड्डी टूरनामेंट लई भेजदे है उधरले बन्ने 12 ते 13 तरीक जिहड़ी सलीणे दे कबड्डी टूरनामेंट दी है वह भी वीर प्यार भरे जिहड़े सदे दे रहे हैं क्योंकि इन्हां दा योगदान बहुत वड्डा डॉक्टर हरजीत सिंह होरी उधरले बन्ने बलदेव बराड़ जी बहुत प्यारे सदे दे रहे हैं 12 ते 13 तरीक जिहड़ी विसाखी का पवित्र दिन है और मैं देखांगा भी उधरले बन्ने दादर पिंड है इस खिडारी का लोग गुगू आखते दादर पिंड वाला जिस पिंड के कहते भी वरिंदर ने कौड़ी बहुत तकड़ी खेडी उधरले बन्ने सारे कहते भी सिख सरदार गभरू है खेड मैदान विच कि ना कोई ओदे वर्गा होया ना कोई ओदे वर्गा होना जुगो जो गल्लां चलदियां रहिंदियां उस दरवेश दियां ते कौन करूगा रीसां कलगी धर दशमेश दियां। लाओ सुर सिंह की टीम जिहड़ी पुज चुकी है खेड मैदान विच बलदेव सिंह लल्ले कबड्डी खिडारी ते सोना तलवंडी भाई कमेटी नू 2100 रुपया दिंदे आ इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बलदेव सिंह लल्ले पुराना कबड्डी खिडारी ते सोना तलवंडी उधरले बन्ने बड़े मान सम्मान जिहड़े दित्ते गए है लाओ सामने गुरजीत एक बन्ने नौजवान गभरू खेड मैदान में कबड्डी पाता होया एक बन्ने कलवंत कोच का कहिंदे भी यह नौजवान कहिंदे भी सपुत्र है बहुत तकड़ी कबड्डी का मालक जिन्हें कहिंदे भी अनेक खिडारी जिहड़े जोगे वाले एरिया दे विच पैदा किए है। मैं देखता भी एक गुरजीत तूतां वाला उधरले बन्ने अमन बराड़ नाल कहिंदे भी भरावां वाली सांझ है उस खिडारी की। लाओ सामने कबड्डी नौजवान गभरू सिख सरदार ने पाई है खेड मैदान विच मर जाने माना हो सिख की सिख ही बड़ी प्यारी अज कहिंदे भी सरदारी विच चिट्टा रुमाल बनिया होया उधरले बन्ने चारे जाफी देखदे भी पूरे टपदे है नरपै की बहुत तकड़ी कोशिश है खेड मैदान विच देखदे भी बाउंड्री लाइन उपर लगा होया जोर है आलम वाला पिंड है नछत्र ढांडी का पिंड है खेड मैदान विच उसे पिंड का नौजवान फैसला करके दसदा भी पॉइंट जिहड़ा बिल्कुल डगरू की टीम दे हिस्से जा जुड़िया बाबा विधि चंद क्लब सुर सिंह वाला अते वकीलां वाला यह दोवें टीमां भी तैयार रहन जी दोवें टीमां वीर जी खेड मैदान दे विच पुज्जियां होईयां उधरले बन्ने पिता पर पूत नसल पर घोड़ा के वादा नहीं था थोड़ा थोड़ा आ गभरू दे पिता ने कौड़ी भी खेडी है दशमेश कबड्डी क्लब कपूरथले का कोच भी है। लाओ सामने देखते भी उधरले बन्ने सुखा वकीलों का पुज गया नाल सोनी मैं देखता भी इस एरिए सब तो वध जिहड़े टूरनामेंट जिते है वह वकीलों वाले की टीम ने जिते है पुजे है परमात्मा की मेहर हुई है कहिंदे भी एक साल तो बाद अज दे भरा कट्ठे खेडणगे यह भी परमात्मा उरे शुकर अरदास बेनती हुई है। सोना खुखराने का कबड्डी खिडारी जिथे भी होवे पहुंचे जी सोना उधरले बन्ने कुलदीप सिंह बाबा शूशक की धरती का कहिंदे ओह भी वीर विशे तौर ते पुज गया एलसीडीआं ते मोटरसाइकिल अपने नाम करवा चुकी टीम है। हाँ जी सीता सीता भी साढ़े को इत्थे पहुंचे जी क्योंकि ग्राउंड दे विच इदू बाद दे विच पानी छिड़कना आपां
तैयार रहे जी। ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ 20 ਤੇ ਖਾਰਾ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੇਤੂ ਹੈ ਔਰ ਆਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ मीरी पीरी दे मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद तो वरसाए हुए बाबा विधि चंद छीना जी उन्हां दे नाम दे पर खेड़ दी टीम और मैं देखांगा खेड मैदान विच विधि चंद छीना गुरका छीना और संता महापुरशां दे नाम दे पर खेड़ दी टीम है। उधरले बन्ने मुकाबला बहुत ही तगड़ा एक सुर सिंह पिंड जिहड़ा कहिंदे वी माझे दा पिंड है भिखी पिंड तो जो झबाल वल जाइए रस्ते विच पिंड आउंदा बाबा विधि चंद छीना ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੋਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਾਮਤ ਸਮਾਰੋਹ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਆ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੰਘੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਨ ਅੱਜ ਤੱਕਦਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੁਖਾ ਵਕੀਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੋਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਕ ਬੰਨੇ ਸੁਖਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਗੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕਿ ਚੀਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਯਾਰੋ ਸੁਖੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿ ਚੀਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਯਾਰੋ ਸੁਖੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਗੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕਦੇ ਬੜੇ ਗਿੱਟੇ ਕਦੇ ਖੁੱਚੀ ਯਾਰੋ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਟਾਪ ਦੇ ਭਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਢਾਉਂਦਾ ਏ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲੇ ਕੇ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਤੇ ਖਾਰਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਡਗਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕੇ ਦੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ 20 ਤੇ ਖਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆ ਗੱਭਰੂ ਲੋਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਕੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਜੂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਬਾਬਾ ਗੇਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੜ ਗਿਆ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਸੋਨਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਯਾਰ ਟੀਮਾਂ ਕਰਾਏ ਲੋ ਖੜੀਆਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਾਦੋ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦਾਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂ 10 ਪਾਵੇ ਰੇਡਾ ਪਾਵੇਂ ਪਾਵੇ ਕੱਲੀ ਕੈਰੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਲਹਿਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਰੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਤੇ ਖਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਜੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਬੇਨਤ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾਈ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ ਬਹੁਤ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ
लो जी खारे की टीम हाथ खड़ा करे जी खारा खारे की टीम जी बेनती है जी खारा जी खारा पुजे हो अजमेर जी पुछो खारे की टीम रसूलपुर ते काले के जी रसूलपुर वर्से काले के दी टीम इस अगले मैच लई तैयार हो जाए रसूलपुर ते काले के जी हाँ जी पानी पानी छिड़का लो जी लाओ जी लास्ट जी बेनती असी कर रहे हैं एक खारे दी टीम नू आ जी ओ सीते रोक ला सीते एक मिनट खारे दी टीम किथे आ जी खारा बार बार असं बेनती करते हैं भी जिले फरीदकोट की टीम है खारा बाबे गांधी दे पिंड की टीम है ओ ग्राउंड दे वल आ जावे जल्दी नाल और माले खुरद बी दी जिहड़ी टीम पुज चुकी है बोनी मेरा वीर लै पुजे अपनी टीम नूं रसूलपुर ते काले के जी थोड़ी कर रिपीट बता दो कबर साउंड माड़ी बता दो कृपा करके बहुत ही प्यारी साउंड है पंजाब दी मन्नी परवन्नी साउंड है और खारे दी टीम हल तक ग्राउंड दे विच नहीं पुजी टीमां जिहड़ियां जल्दी ना ग्राउंड दे विच पुज जाण पहले राउंड दा सैकंड लास्ट मैच है जी इस तों बाद रसूलपुर ते काले के दी टीम नूं मैं बेनती करांगा भी टीम जल्दी ना ग्राउंड दे विच पुज जाण अज वड्डियां रौनकां खुखराणे दी धरती हलो गुरभेज सिंह बौड़े ते गोल्डी संधु साडे दरम्यान पहुंचे आ असीं उहनां नूं इत्थे आउण ते जीवां आखदे आ गोल्डी संधु ते गुरभेज सिंह बौड़े बहुत बहुत मेहरबानी जी उधरले बन्ने आंदे साल दे कबड्डी कप दी जिहड़ी नींह रखी गई है सरदार अजैब सिंह जी सरपंच कोठी वाले 51,000 रुपए का ऐलान कर दिता उन्होंने ते नाल साडे गुरतेज सिंह जी मेंबर कबड्डी खिडारी 51,000 रुपया उन्होंने वालों है यादार सरदार निर्मल सिंह जी उन्होंने परिवार वालों आंदे साल 31,000 रुपया जिहड़ा इस कबड्डी टूरनामेंट लई दिता जाना नाल साडे कहिंदे वी सरदार सूबा सिंह जी गिल कैलगरी सादा सिंह वाला भी विशेष तौर पर पुजे है कबड्डी की माण योग शख्सियत है कबड्डी के दीवाने है कबड्डी के बड़े फैन है और मैं बेनती करदा भी खारे की टीम हाले तक ग्राउंड विच नहीं पुजी ते नाल रसूलपुर ते काले के जी रसूलपुर ते काले के जी जल्दी ना टीम ग्राउंड विच पुजन गियां 70 किलो का फाइनल मैच जी आ गई जी टीम जे ना ही अपा वीर दी टीम कट देनी है हाँ जी खारे दी टीम जी 70 किलो दे फाइनल मैच दीआं दोवें टीम मेजबान पिंड रसूलपुर ते मेरी बेनती खुखराणा जी कबड्डी 70 किलो भार दा फाइनल मैच दोवें टीमां पुज्जण गईआं ग्राउंड दे विच जल्दी नाल खारे दी टीम दसो जी खारा खारे दी टीम ग्राउंड दे विच जे पहुंचदी आ तां हाथ खड़ा कर देवे नहीं एक मिनट ला लो देव जी आ टीम नूं वाकओवर दे दिओ आ टीम नूं वाकओवर दे दिओ जी जे नहीं पहुंचदी टीम जल्दी नाल खारे दी टीम किते भी तैयार हो रही है जां कपड़े उतारदी है हेलो काले के वर्से हां जी काले के वर्से रसूलपुर दोवें टीमां पहुंचन जी काले के वर्से रसूलपुर
लो जी खारे की टीम वार बार बेनती है भी खारे की टीम जी ग्राउंड वाल नहीं पहुंच रही। हां जी काले के रसूलपुर के काले के जी आ जाओ जल्दी नाल। लाओ जी तहसील जगराओं जिला लुधियाना पहुंचे जी जल्दी नाल। रसूलपुर के काले के जी एक टीम जिले मोगे की है एक टीम जी जगराओं की है। मैं बेनती करता इन्होंने टीमों ग्राउंड वाल पुजन जी आ कि टीम पुज गई काले के जी दस्यो हथ खड़ा करके काले के बहुत मेहरबानी। रसूलपुर पुजो जी रसूलपुर इधरले बने आकाश दी बच्चा मेरा वीर अपने हैलो हैलो। हाँ जी बाई जी सारे दर्शकों नूं हाथ बन के बेनती है साडे वल्लों प्लीज साडी बेनती हाथ बन के है साडी बेनती सुनो जिन्हें भी सारे दर्शक है जां तो अंदर बैठे है चाहे साडी प्रबंधक कमेटी है चाहे साडी नगर निवासी है उन्होंने हाथ बन के बेनती है भी प्लीज बाहर चले जाओ ये सब सारा काम खराब हो जाऊगा नहीं तो साडे हाथ बन के बेनती साडे प्रबंधक कमेटी के मैंबर ही खड़े है वो कहाँ पछा हो जाना जो पिछले कुछ कदम बह जाना चाहे ट्रालियां चाहे साडे कोल आ जाना तो साड़ी बेनती जरूर मंजूर करो बहुत रौला पै रहा जिन्हें साढ़े पेंड के प्रधानते सज्जन बैठे अंदर फिरते बार बाहर चले जाए मेहनत वाली गल है लाओ जी वीर ने बेनती की है भी जेडे वीर जंगले तो अंदर बैठे है कृपा करके वह वीर अपन जगह जड़िया पासे मान लैन या साढ़े सरकार जो वीर है कुर्सियां आके बह जाए जंगले तो अंदर किसी वीर ने नहीं पहुंचना। लाओ कहते भी काले के दी टीम पहुंच गई है माले खुरद बी दी टीम वाक हो रहा है यह टीम ग्राउंडों बाहर जा सकती है नोट कर लो जी गुरप्रीत जी जी टीम है माले खुरद की बी जेतू है जी खारे की टीम असी कट दिता। लाओ जी रसूलपुर की टीम को दो मिनट का समा नाल ही मेरी बेनती सत्तर किलो भार दी दोवें टीम रसूलपुर से बेनती है भी खुखराना ये टीम पुजन गिया जल्दी नाल। रसूलपुर की टीम कितने है जी काले के पहुंच गई है रसूलपुर की टीम असी बार बार बेनती करते हैं वो टीम के खिलाड़ी जो तैयार होंगे या कपड़े उतारते हैं कृपा करके सानू टीम दस दें ये पहले राउंड का लास्ट मैच खेडिया जाना भी रसूलपुर के काले के। हैलो हाँ जी आ जेड़े वीर जंगले के अंदरली साइड बैठे आ प्लीज हाथ बन के बेनती है भी फिर आप जंगला लाने का तो कोई फायदा ही नहीं होया जो दूजे दर्शक बाहर बैठ सकते तो आप भी बैठ सकते हैं सो प्लीज थोड़ा जहा अनुशासन विखाओ। हाँ जी सैकटरी साहब जी प्लीज इधर की तुम खिडारियों बेनती की बी इधर लेंदे पासे असी उन्होंने वास्ते रास्ता बनाया हुआ इधर दी आउण प्लीज जी लाओ जी जल्दी ना रसूलपुर की टीम जी ग्राउंड पुजी हुई है बहुत मेहरबानी है उधरले बने आकाश की बच्चा मेरा भी तलवंडी जले खां तो पुजिया अपने स्टंट करता खेड मैदान ला उधरले बने मैं देखता भी लंडे के पिंड का इकबाल सिंह काला खेड मैदान काले रसूलपुर है बेनती रसूलपुर बहुत मेहरबानी है कबड्डी का बहुत ही तगड़ा मैच उधरले बने शीरा रसूलपुरिया लै पुजे अपनी टीम नूं बहुत ही वधिया मैच कबड्डी का खेड मैदान खेडिया जाना कहिंदे भी कबड्डी की बदालत कहिंदे भी काला इकबाल सिंह यह भी कनेडा विच जा वसिया मेरा वीर आपां धन्नवाद करांगे यह पहले राउंड का लास्ट मैच खेडिया जाना कौडी अते गिद्धा यारो रंगले पंजाब का पानिया चो पानी कहिंदे रावी ते चनाव का कौडी अते गिद्धा यारो रंगले पंजाब का। लाओ जी पानी के छिड़का तो बाद कबड्डी का मैच फिर शुरू होगा कल जी कहते भी 8 अप्रैल का दिन है
बघेले वाले की धरती से कबड्डी ओपन के मैच करवाए जाएंगे। और कहें भी नौ दस से ग्यारह जी तरीक है मेसरी संधवा के कबड्डी टूरनामेंट की है, बारह से तेरह तरीक जी सलीने के कबड्डी कप की है, आप हम हमा के पुजना तेरह तरीक जी पके के कबड्डी टूरनामेंट की, तेरह तरीक जी अकाल सर गुरद्वारा मोगे जिले के कबड्डी टूरनामेंट दरीक ने। और दोवे टीम के दरमियान कबड्डी का मैच बहुत ही तकड़ा। हाँ जी, आ जिहड़े वीर जंगले दे अंदरले पासे बैठे आ, असीं वार वार बेनती कर रहे हां वी प्लीज़ स्टेज उत्ते कुर्सियां लगियां होईयां, उत्ते कुर्सियां ते विराजमान हो के मैचां दा आनंद माणो, ते साडी बेनती नूं कबूल करो जी। अगले राउंड दीआं जिहड़ियां सैकटरी साहब जी ताईयां वी कढ दित्तियां जाण, मैं बेनती करांगा साडे वीर अंग्रेज सिंह होरां नूं, उन्होंने जिहड़ियां बेखूबी अपनियां जिम्मेवारियां सांभियां होईयां। लाओ मुकाबला शुरू होने जा रहा, तहसील जगराओं जिला लुधियाना, संत बाबा दरबारा सिंह की धरती, मस्तां की धरती, संत महापुरशां की धरती है कि गड्डिया वालिया ने गड्डिया रोक लिया, गड्डिया वाले ने गड्डे कि जद मैं गई कुड़ियो जगरावां दे अड्डे। हाँ जी, ओपन दे असीं टाइयां कढ़न लगे हाँ। हाँ जी, वो वीर आज ते पहुंच सकते हैं, टाइयां निकल लगिया जी। उधरले बने दूसरे राउंड जिहड़ियां तैयारियां हो चुकियां, लै भी नौजवाना खेड मैदान विच देखदे भी पहली कबड्डी किस टीम की होगी। रसूलपुर की टीम दर्शक वीरों पहुंच गई है बिल्कुल स्कूल की बिल्डिंग वाली साइड, तो दूसरे बन्ने निहाल सिंह मंडी वाले का एरिया पिंड काले के है। लाओ सामने लोपो पिंड है इस खिडारी का, ज्योति नाम है नौजवान गभरू का, पहली जड़ी कबड्डी पांदली बदया, वाहिगुरु तो ओड आसरा लिया। खेड मैदान देखते भी पहली कबड्डी धूड़ा पट हांध्या वाल परदा होया, पान जरा रसूलपुर की टीम के हिस्से जुड़ता होया, जिस पिंड का कहें भी कालू मेजर भलूर का हरमन प्यारा खिडारी है, लंडे के पिंड वाले काले कहिंदे वी करता सिद्धू दा नाल कहिंदे वी फतेहगढ़ी काके दी टीम दा बहुत तकड़ा रेडर। मेरे भी उधरले बन्ने नौजवान लंडे के पिंड वाला इकबाल सिंह काला, ते नाल आ गबरू कहिंदे वी रसूलपुर पिंड दा बलदेव है, जिन्हें कहिंदे वी कबड्डी दे कुछ दा पेज माझे दी धरती श्री वन संत बाबा अवतार सिंह जी हुई होरां दे पासों सिखे है, ते रोशन ग्राउंड मैनूं अज वी याद है 2011 दा साल हुशियारपुर दे कबड्डी टूरनामेंट कबड्डी कप दे पहला जिहड़ा जफा लखण के पड़ने वाले सुखी नूं 25,000 रुपए दा इह नौजवान ने लाया। उधरले बन्ने कबड्डी शेरे रसूलपुरिया दी पैंदी होई खेड मैदान विच कि सुरगपुरिया दुल्ला कौडी पांदा विछके गोगो रुड़की दा बंदा फड़िया ना खिसके सैदोके दा नीला कौडी पांदा ए दिमाग नाल ते पिथो वाला शीरा पंट लंबा डांग नाल, कहिंदे वी सब तों जिहड़े वध मोटरसाइकल है ओह पिथो वाले शीरे ने जिते आ कबड्डी जगत विच। लाओ सामने इक बन्ने पिथो वाले शीरे नाल भरावां वाला प्यार है, इकबाल सिंह कहिंदे वी काला लंडे के पिंड वाला उधरले बन्ने दलजीत है, नौजवान देखते भी खेड मैदान विच बहुत तकड़ा यफा लाके अपनी टीम दे हिस्से पॉइंट जोड़दा होया चल भी नौजवाना कल्ले कल्ले गभरू ते ओ पूरा चढ़िया कि कौन जाऊ भाजी यारो कौन जाऊ फड़िया, लख लख दी कबड्डी अज पाउणगे इह कल्ले कल्ले मित्रो कि जफा जिहड़े जिहड़े जाफी ने लाता होजू अज उहदी बल्ले बल्ले मित्रो बल्ले बल्ले हो जाणी है, वाश मशीनां दित्तियां जाणियां है ट्रेडर बड़ी जाफी नूं। लोपो पिंड है गग्गी दा पिंड है उधरले बन्ने कहिंदे वी नौजवान केवल सेखा केवल लोपो मारे गए तारिया होए हरजीत ने आख्या जांदी वारी तैनूं चेते कर करके बराड़ा रोंदी दुनिया सारी। अगले राउंड दीआं टाइयां कढ के लिस्ट दे दिओ ते माइक दे उपर आउणगे जसविंदर आसा बुट्टर जी। और अगली माइक तो गल मेरा वीर बेअंत बघेला जी वो आए, उस तो बाद जसविंदर आसा बुट्टर जी और बेअंत बघेला गुरचरण सनेह जी सारे वीर का असं धन्यवाद करते हैं। ला जी असं दसांगे भी दूसरे राउंड का पहला मैच केड़ी टीम ने किस दे नाल खेडना, पंजाब लाइव नंबर वन का असं धन्यवाद करते हैं, पूरी दुनिया विच लाइव टैलीकास्ट हो रहा है कबड्डी का खेड मेला, बड़ी मुबारकबाद है समुचे पिंड खुखराणे नूं और जिन्हें भी खेड प्रेमी पुजे है मंजिल तक ना पहुंच दे के बिन गुरुआं तो चेले गभरुआ बाज मैदान ना सौंदे दर्शकां बाजे मेले, सारे वीरों का धन्यवाद है। अगली जिहड़ी माइक दे उपरों गल है वह मेरा वीर बेअंत बघेला।
ठीक है भाई। कबड्डी ओपन दियां जो टाइयां कड्डी जा रहे ने प्रबंधक वीर खोसा दल सिंह वाला मेडिकल स्टोर जो गोल्डी साडा वीर 500 रुपया उन्होंने टूरनामेंट कमेटी माइक सहायता भेजी है प्रबंधकों वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सैक डगरू ते डेमरू ये दोहो टीम खिलाड़ी ग्राउंड आ जान सैकंड राउंड का पहला मैच डगरू ते डेमरू दियां टीमां नूं साडी बेनती है खिलाड़ी कृपा करके जल्दी ग्राउंड दे विच पुज्जण दूसरे राउंड दे जो ओपन दे मुकाबले करवाए जाणगे इन्हां टीमां दे डगरू ते डेमरू दोहो टीमां दे खिलाड़ी जल्दी तो जल्दी ग्राउंड दे विच आ जाण डगरू वर्सज डेमरू अज इन्हां जेतू टीमां दा जो इनाम वंड समारोह इस इलाके की बहुत ही धार्मिक शख्सियत संत बाबा बलदेव सिंह जी जोगे वाले उन्हां वल्लों जेतू टीमां नूं नाम तकसीम किए जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद। साडी समुची टूरनामेंट कमेटी वा 4:15 बजे का जो टाइम होगा बाबा जी हुणी पहुंच रहे ने अगला जो मैच है डगरू ते डेमरू ये टीमां जल्दी तो जल्दी ग्राउंड च आ जाण डगरू वर्सज डेमरू रसूलपुर दा ते काले कहदा की बनया हां जी डगरू ते डेमरू खोसा दल सिंह मेडिकल स्टोर है जिन्हां दा जीरे दे आ बेसिकली रहण वाले इन्हां वल्लों 500 रुपये की जिहड़ी राशि आ उह टूरनामेंट कमेटी नूं भेजी जांदी आ असी गोल्डी वीर दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे आ जी। डगरू ते डेमरू इह टीमां जल्दी तो जल्दी ग्राउंड दे विच पुज्जण ओपन दा जिहड़ा सैकंड राउंड दा पहला मैच होणा है डगरू ते डेमरू टीमां जल्दी ग्राउंड दे विच आ जाण ओपन दे बेस्ट रेडर ते बेस्ट जाफी नूं एक एक वॉशिंग मशीन दित्ती जाणी है जथेदार निर्मल सिंह जी इन्हां दे परिवार वल्लों सरदार बलविंदर सिंह जी सरपंच जिन्हां ने 35,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज दिता जाणा है इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। ताज करनैल सिंह जी और बाबा पाला सिंह जी नंबरदार साहब इन्हां दे परिवार की वड्डी देण सारे वीरां दी अज इस खेड मेले नूं अगला मैच डगरू ते डेमरू टीमां जल्दी तो जल्दी आ जाण डगरू वर्स डेमरू। हाँ जी पहला मैच डगरू वर्स डेमरू दूजा मैच वकीलां वाला वर्सिज लंडे के तीजा मैच भलूर वर्सिज निधां वाला चौथा मैच इंदगढ़ वर्सिज डरोली भाई पांचवा मैच रसूलपुर वर्सिज तलवंडी भाई होगा। सो ये टीमां नोट कर लेना ते साडे कोले समय की बहुत ही घाट आ खिडारी चलते मैच दे विच विच ही अगले मैच वास्ते तैयार हो के पहुंच जा करन जी। ठीक 4:15 बजे साडे संत महापुरश संत बाबा बलदेव सिंह जी जोगे वाले वह जिहड़ा टीमां दा नाम वंड समारोह करनगे डगरू ते डेमरू ये टीमां ग्राउंड दे विच आ जाण सैकंड राउंड दा पहला मैच वकीलां वाला ते लंडे के इन्हां दा दूजा मैच होवेगा ये भी टीमां तैयारी खिच लैण पलूर ते निधां वाला इंदगढ़ ते डरोली भाई रसूलपुर ते तलवंडी भाई ये टीमां दूजे राउंड दियां सारे खिडारी बिल्कुल तैयार रहण डगरू ते डेमरू ये टीमां ग्राउंड च आ जाण बाजी जल्दी तो जल्दी डगरू वर्सज डेमरू दोहो टीमां दे खिडारी जल्दी ग्राउंड दे विच पुज्जण पहला मैच इन्हां दोहो टीमां दा कबड्डी 70 किलो दियां जो फाइनल विच पुज्जियां टीमां ओह वी खिडारी तैयार रहण डगरू ते डेमरू दा पहला मैच है दोहो टीमां दे खिडारी जल्दी तो जल्दी पुज्जण बाबा छिंदर सिंह जी
जो तुहाडे नाल अपनी गलबात सांझी करनगे। वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास नूं हुकम होया सी साडे कोले पहुंचे जी सोना, दास नूं हुकम होया सी संगतां वालों भी बाबा जी शेर जरूर सुनाओ। असि एक उन्हां शहीदां दे नाते एक शेर बोलन लगे हां। बाजां वाले गुरु जी दी मैं करा सरत केड़ी, कीती कुर्बानी बेमिसाल बाजां वाले ने, बुझे हो चेहरिया ते रौनक परत आई, लहू विच लियाता सी भुचाल बाजां वाले ने, बन के बरूद कंधा ढा गया गुलामी दियां, पंथ ऐसा साजिया कमाल बाजां वाले ने, आखदा चरण ऐदू होर कुर्बानी केड़ी, देश उत्तों वारे चारे लाल बाजां वाले ने, देश उत्तों वारे चारे लाल बाजां वाले ने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डगरू ते डेमरू दीआं टीमां ग्राउंड च पुज्जण बाई जी जल्दी तो जल्दी। खिडारी डगरू ते डेमरू जिते भी दो टीमां दे प्लेयर वास हुंदे कृपा करके जल्दी आ जाण। सैकंड राउंड का पहला मैच है, डगरू ते डेमरू दीआं दो टीमां दा प्लेयर ग्राउंड दे विच पुज्जण। डगरू वर्सेस डेमरू दोवें टीमां आउण जी। डगरू वर्सेस डेमरू बाजी दोहो टीमां दे खिलाड़ियों नूं बेनती है जल्दी ग्राउंड दे विच आ जाण। डगरू ते डेमरू टीमां जल्दी तो जल्दी पहुंचण। वकीलां वाला ते लंडे के जी डगरू ते डेमरू नूं 2 मिंट दित्ते आ जी। जे टीमां आउंदियां तां ठीक आ, नहीं सक्राइब कर देंगे। दोहो टीमां नूं 2 मिनट का समा दिता गया प्रबंधकों वालों। डगरू ते डेमरू ये टीमां जल्दी तो जल्दी ग्राउंड दे विच पहुंच जाण। लंडे के ते वकीलां वाला ये भी दोवें टीमां तैयारी खिंच लैण। पलूर ते निधां वाला, इंदगढ़ ते डरोली भाई, रसूलपुर ते तलवंडी भाई। डगरू ते डेमरू का यह दूजे राउंड का पहला मैच है, दोहो टीमां दे खिलाड़ी जल्दी ग्राउंड च आ जाण। हाँ जी मेंटू कबड्डी खिडारी स्टेज दे मगरले पासे आवे जी, दीप नूं मिले आके। डेमरू ते डगरू टीमां जल्दी तो जल्दी पहुंच जाण ग्राउंड दे विच आ जाण। दोहो टीमां दे खिडारी डेमरू वर्सेस डगरू दूजे राउंड दा पहला मैच है, टीमां जल्दी पुज्जण। हां जी डगरू वर्सेस डेमरू जे नहीं आ रहे तो असी सक्राइब कर दिए भाई जी। डगरू आते डेमरू, हां जी एक मिनट की कॉल है दोवां टीमां नूं, इस तो बाद असी सक्राइब कर देंगे जिहड़ी टीम ना पहुंची। जे दोवें नहीं पहुंचदियां तां दोवें ही डगरू ते डेमरू टीमां ग्राउंड च आ जाण भाई जी जल्दी तो जल्दी। खिलाड़ी डगरू ते डेमरू, हां जी इस तो अगला मैच वकीलां वाला वर्सेस लंडे के, ये दोवें टीमां भी चलते मैच दे विच ही आ जाण जी। असीं हुण किसे दी वेट नहीं करनी।
मेंटू भाई मेंटू कबड्डी खिडारी 70 किलो का खुखराने का दीप नू मिले पिछले पासे आके दो टीमां ने खिलाड़ी भाई जी जल्दी पुजन डगरू की टीम हो चुकी है नाल मुकाबला डेमरू का है ये टीमां जल्दी तो जल्दी आ जान अगले साल का जो 55,000 रुपया होगा सरदार अजैब सिंह जी सरपंच साहब और नाल साडे वीर गुरतेज सिंह जी कबड्डी खिडारी 51,000 अजैब सिंह वालों ओपन टीमां जो फर्स्ट प्राइज दिता जाएगा अगले वरे और 51,000 गुरतेज सिंह वालों दिता जाएगा टूरनामेंट कमेटी वालों इन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद डेमरू ते डगरू साडे रेफरी साहिबान आ जान जी ग्राउंड दे विच पुज्जन सुखदेव सिंह जी मैच दोहो टीमां दा डेमरू ते डगरू हां जी वकीलां वाला ते लंडे के हां जी इस मैच तो बाद 70 किलो दा जिहड़ा फाइनल मैच आ करवाया जाऊगा तां दोवें टीमां दे खिडारी जल्दी तो जल्दी ग्राउंड दे विच पहुंच जान जी इस मैच तो बाद 70 किलो का फाइनल मैच होएगा जी रसूलपुर ते खुखराणा ये टीमां दा जो 70 दा फाइनल मैच खेडिया जाना है ये भी टीमां हां जी खुखराणा ते रसूलपुर तैयारी खिच लैन रसूलपुर ते खुखराणा वकीलां वाला ते लंडे के ए भी टीमां बिल्कुल तैयारी खिच के ग्राउंड दे लागे रहन 70 दा जो इस तो अगला फाइनल मैच होना है रसूलपुर ते खुखराणा ए टीमां तैयारी खिच के ग्राउंड दे नौड़ी आ जान